हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग विद सुरभि में आप लोगों का स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। हम लोग बहुत अच्छे हैं और आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। और थैला पकड़ ली हूँ और जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ दिखाएंगे, कहाँ जा रही हूँ। और आज कुछ स्पेशल है तो अभी जा रहे हैं, ये दोनों को छोड़ देंगे, लेके आएंगे। तो अभी निकल रहे हैं, छोड़ दिए वो दोनों को। और ये रहा मेरा स्कूटी, मेरा स्कूटी, अभी इसको निकाल लेते हैं, निकाल लेते हैं इसको। तो अभी यहाँ पे मैं चिकन लेने आई थी। तो फ्रेंड अभी मैं चिकन को ना ला के धो ली थी और थोड़ा सा छोटा साइज में काट भी ली थी। छोटा साइज ज़्यादा छोटा भी नहीं था, ज़्यादा बड़ा भी नहीं था। काट के उसको धो के रख दिए थे। उसके बाद अभी मेरिनेशन करने के लिए नींबू, आधा नींबू उसमें निचोड़ देते हैं, आधा नींबू, और बाकी मसाला सब भी डाल देंगे, जैसे कि हल्दी और ये नमक और ये पाउडर मसाला है और अदरक लहसुन उसको कूट के रखे हैं। और अब मैं ना मिर्चा नहीं डाल रही हूँ, मिर्चा डालने से अच्छा लगता है पर नहीं डाल रही हूँ क्योंकि नहीं खाती है ये दोनों, इसीलिए मिर्चा नहीं डाल रही हूँ। तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर था वही वाला डाल रही हूँ, हरा मिर्चा सब भी डालने से अच्छा लगता है पर नहीं डाल रही हूँ। उसके बाद वो कॉर्नफ्लोर डाले और ये बेसन, कॉर्नफ्लोर एक चम्मच जैसे डाले और बेसन डाले। उसके बाद ये सबको अच्छा से मिला लेंगे और यहाँ पे अच्छा से मिला लेने के बाद अंडा लाए थे तो अंडा ना फूट गया था तो इसीलिए कटोरी में ही डाल दिए थे। तो वो अंडा भी डाल देते हैं अभी। पता है लाते समय स्कूटी से गए थे तो वही स्कूटी में ही कैसे ये हो गया होगा तो फूट गया था, तो इसीलिए कटोरी में रखे हुए थे। तो उसको भी डाल के अच्छा से मिला के उसको फ्रिज में रख देंगे, फ्रिज में शाम में बनाएंगे। अभी दोपहर का टाइम था तो वैसे एक घंटा रखने से भी हो जाता पर एक घंटा से ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो इधर में चिकन बनाने के लिए प्याज को भून लिए, उसके बाद बाकी जो मसाला था पीसे थे, गरम मसाला, सब गरम मसाला, जीरा, प्याज, अदरक, लहसुन और वही जो गरम मसाला होता है वही सब डाले थे और पीस दिए थे। उसके बाद उसमें चिकन में सब मिला डाल दिए, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी और बाकी जो भी मसाला था सब डाल दिए थे, लाल मिर्च पाउडर, मसाला, सब सब डाल के। और ऐसे बनाने से ना तब अच्छा लगता है, खाने में भी अच्छा लगता है और पकाने में भी। और अदरक लहसुन कूटे थे वो भी डाल दिए, उसमें ही मिला दिए थे। उसके बाद देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। उसके बाद ना अभी टमाटर डाल देंगे काट के, एक टमाटर था, एक टमाटर को काट के अभी मैं डाल देती हूँ, फिर से ढक के पकाऊँगी। इधर पक गया था और खाना निकाल लिए थे हम लोग का, तो फिर अभी थोड़ा सा ये चिकन भी खाएंगे, बाकी सब्जी बना हुआ था। और हम लोग शाम में सो गए थे खाना वाना खा के, उसके बाद अभी शाम में नहीं दोपहर में सो गए थे, उसके बाद खाना वाना खाने के बाद फिर हाँ सोए थे, उसके बाद अभी फिर उठ गए थे। तो फिर अभी सोचे कि बना लेते हैं तो अभी बना रहे हैं चिकन पकौड़ा। उसको मेरिनेशन करके रखे हुए थे फ्रिज में, भी निकाल के बना रहे हैं। और ये दोनों खाई थी तो बहुत टेस्टी लग रहा था। ऐसे छोटी चिकन ना सब्जी उतना नहीं खाती है क्योंकि तीखा रहता है, वो बिल्कुल भी नहीं खाने खोजती है तीखा वाला। और इसमें तो मिर्चा नहीं था तो बहुत टेस्टी लगा उसको भी। और निधि खा लेती है थोड़ा मिर्चा वाला भी, जैसे कि सब्जी भी खाती है पर तो छोटी नहीं खाने खोजती है। पहले से वो मसाला वाला देख के ही पहले से वो मुँह बंद कर लेती है।
और ये पता नहीं कुछ कुछ कर रही थी, आ गई थी और छोटी सोई हुई थी उस टाइम पे। ये तो दोपहर में सोती ही नहीं है, बोलते हैं सो जाओ थोड़ा देर सो जाओ, नहीं सोती है। और इधर पक गया चिकन पकोड़ा, उसके बाद ना हम लोग शाम में चल जाते हैं मार्केट खा के। मेरे लिए गिफ्ट नहीं खरीदे थे हस्बैंड, तो गिफ्ट खरीदने चल गए थे और मैं तो खरीदी थी और हस्बैंड को पता ही नहीं था। कुछ आवाज आ रहा है, बहुत दूर से है, उधर उधर फोटो खींचो, इसका फोटो खींचो पहले। सब्जी के ना उस दिन सब्जी के जगह घड़ी
तो ये तो है आपका, ये तो पापा को पकड़ा के गई है तुम। चलो इसमें डाल दो उसका, ये बहुत अच्छा लग रहा है पापा का। यहाँ पे देख ले, डे है और डेट है। कैसे लेके आऊं मैं इसको?